हेलो सेल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है टिश्यू का वन शॉट इन जस्ट 20 मिनट्स। मैं आपको पूरे सेशन में ये टिश्यूज का चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी इन जस्ट 20 मिनट्स में, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है अपने एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट में प्रिपेयर करने के लिए, जो आप जनरली कन्फ्यूज रहते हो कि इस चैप्टर को कैसे रिवाइज करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे मुझे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, तो हम लोग अपना धमाकेदार सा सेशन स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। तो मैं ऑडिबल और विजिबल होंगे सबको, आई होप। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। ये सारे सेल्स क्या होते हैं? ये सारे टिश्यूज क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन्हीं को ही हम टिश्यूज कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब सिमिलर होते हैं और वर्क टुगेदर करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके, उन्हीं को ही हम टिश्यूज बोलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये टिश्यूज से ही मिलकर के बना होता है। कैसे? सेल्युलर लेवल पे बहुत सारे हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ये सेल्स क्या बनाते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यूज बनाते हैं। यही टिश्यूज कलेक्ट होकर के क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ये ऑर्गन सिस्टम फाइनली हमारा क्या बना देता है? एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देता है। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे टिश्यूज से, हमारे सेल्स से ही बना होता है। इसी को ही हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अब प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। अब भाई प्लांट भी तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, वो भी सेल्स और टिश्यूज से बना हुआ है। तो अब हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो नाम है ना, उन्हीं के अंदर इनका मीनिंग है। जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, मतलब इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि कंटिन्यू डिवाइड हो सकते हैं। ये सेल डिवीजन बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। कौन से टिश्यूज? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज क्या परफॉर्म करते हैं? सेल डिवीजन। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन जो प्लांट में परफॉर्म करते हैं वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं ना, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेम, एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम और एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बिफोर मूविंग टू दीज थ्री, पहले मैं आपको ये बता दूं कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके ऐसे टिश्यूज जो अपनी डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट कर चुके होते हैं। मतलब जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारी हाइट एक एज तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। ऐसे ही ट्रीज में भी क्या होता है कि एक ऐसे टाइप के टिश्यूज होते हैं जो सेल डिवीजन नहीं परफॉर्म करते हैं लेकिन बाकी सारे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपके कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन जरूर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में यही डिफरेंस होता है। मेरिस्टमैटिक कंटिन्यूअसली डिवाइड हो सकते हैं जबकि परमानेंट टिश्यूज आपके कंटिन्यू डिवाइड नहीं हो सकते। चलो तो अब आते हैं हम सबसे पहले अपने एपिकल मेरिस्टेम में। अब ये जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, ये हमारे शूट की टिप पे और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। हमें ये पता है कि शूट जो स्टेम होती है प्लांट की, वो कंटिन्यूअसली ग्रो होकर के काफी लंबी हो सकती है। तो लंबी होने का जो राज होता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? ग्रो करता है, ग्रोथ करवाता है प्लांट की
कौन सी लेंथ ग्रो करवाता है, क्या करवाता है? एपिकल मेरिस्टेम जो होता है प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हाँ, जो प्लांट लंबा हो रहा होता है, लंबू हो रहा होता है, वो लंबू करने में हमारा एपिकल मेरिस्टेम काम करता है। जबकि ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ना, ये प्लांट के अराउंड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा प्लांट हो गया, तो प्लांट के यहाँ यहाँ पे साइड में ना लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये लेटरल मेरिस्टेम उसको मोटा करने, मोटू बनाने में हेल्प करता है। मोटू बनाने में मतलब लेटरल मेरिस्टेम उसको गर्थ में इंक्रीज करता है। मोटू बनाता है गर्थ में, मतलब ब्रेथ में इंक्रीज करता है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या इंक्रीज करता है? प्लांट की लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो लेंथ कौन इंक्रीज कर रहा है? एपिकल। ठीक है, और गर्थ कौन इंक्रीज कर रहा है? मोटा कौन कर रहा है उसको? लेटरल मेरिस्टेम। जबकि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ना, ये ऐसे टाइप के मेरिस्टेम होते हैं जो दो दो ब्रांचेस जैसे हैं। जैसे ये मेरी ट्री की एक पर्टिकुलर ब्रांच है, जो मेन ब्रांच होती है उससे एक और ब्रांच निकल रही है, तो इन दोनों ब्रांच के बीच में जो ये स्पेस होता है ना, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। समझ में आया इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? दो इंटर नोड्स के बीच में, जैसे कि ये एक लंबी सी ब्रांच है और उसमें एक ये ब्रांच प्रेजेंट है, तो ये दोनों ब्रांचेस के बीच में जो जगह होती है उसमें प्रेजेंट होता है इंटर नोड मेरिस्टेम हमारा। ठीक है, तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब बहुत रैपिडली डिवाइड हो सकते हैं, सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, इनकी सेल वॉल थिन होती है। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, काफी डेंस सा दिखता है, और डेंस सा साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें वैक्यूल्स लैक करते हैं, क्योंकि इनका मेन काम सिर्फ क्या होता है? सेल डिवीजन का होता है। सेल डिवीजन करके प्लांट की लेंथ को और ब्रेथ को इंक्रीज करना होता है। इसीलिए इनका काम कोई फूड स्टोरेज का नहीं होता, इसीलिए इसमें वैक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। चलो, मूविंग ऑन टू द ओवरव्यू ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो शूट और रूट पे हमारे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, जो उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो टिप पे प्रेजेंट होते हैं नोड्स पे, उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और जो प्लांट की गर्थ को, मोटाई को मोटा बनाने में हेल्प करता है, वो होते हैं हमारे लेटरल मेरिस्टेम। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। ये जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, ऐसे प्लांट टिश्यूज जो परमानेंटली डिवाइड होना उन्होंने छोड़ दिया होता है, मतलब वो डिवाइड हो ही नहीं सकते, इनकैपेबल होते हैं डिवीजन के, जैसे हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज थे वैसे, उन टिश्यूज को हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। और ये टिश्यू एक पर्टिकुलर टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये प्लांट की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन और कंडक्शन, ये दोनों काम क्या होता है? परमानेंट टिश्यू का होता है। ठीक है, तो अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो ना सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, ये सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। जो सिंपल सेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो सिंगल सेल टाइप से बने होते हैं। ठीक है, जबकि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, देख रहे हो कितने सारे टिश्यूज प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। जो ये पेरेन्काइमा होता है ना, इसका काम होता है स्टोर करने का, स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, स्टोरेज का काम होता है। कोलेनकाइमा का प्रोटेक्शन का काम, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। फ्लेक्सिबल, जैसे कि हवा चल रही होती तो पेड़ एकदम से झुक जाता है ना, तो वो फ्लेक्सिबल होता है, इधर उधर मूव कर सकता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपका कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। जहां पर पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, कोलेनकाइमा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। किसका काम करता है? फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब समझ गए ना, जो प्लांट को रिजिड करके रखता है। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ना, ये हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स का मतलब, जैसे कोकोनट होता है, कोकोनट की बाहर आउटर कवरिंग जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है ये स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड होता है। स्क्लेरेन्काइमा ना डेड सेल से बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल से बना होता है। कोलेनकाइमा डेड से भी बना होता है और लिविंग से भी बना होता है, जबकि जो पेरेन्काइमा होते हैं वो लिविंग सेल्स से ही बने होते हैं। तो हमारे तीन सेल्स कौन कौन से हो गए? सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमारे डेड होते हैं और ये हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जो भी पार्ट का
प्लांट का पार्ट ना टाइट होता है, जैसे सीड्स की आउटर कवरिंग हो गई, कोकोनट हो गया, एप्रिकॉट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स में आपको स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा, जबकि कोलेन्काइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इधर उधर मूव कर, और पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करते हैं। ये पेरेन्काइमा भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एरेन्काइमा, एक होते हैं क्लोरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एरेन्काइमा, एरेन्काइमा एयर, मतलब एयर प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। इनकी सेल्स में ना बहुत सारे एयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ना ये एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, उनकी फ्लोटिंग में। जैसे लोटस होता है, लोटस में एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, उसमें एयर बबल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट हमको पता है किसमें हेल्प करता है, फोटो सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फोटो सिंथेसिस में। चलो अब आते हैं हम लोग अपने परमानेंट इशू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो H2O वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। फूड का कंडक्शन मतलब फूड जो प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, जबकि जाइलम हमारा पानी को पहुंचाने का काम करता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जबकि फ्लोएम जो होते हैं वो सीव, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, याद करने का तरीका, जहां पर भी आपको फाइबर दिख जाएंगे मतलब वो डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल्स। तो ट्रेकीड्स ना सारे डेड सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मतलब लिविंग हो जाता है, फाइबर का मतलब डेड हो जाता है। तो जहां पर भी आपको वर्ड फाइबर दिखे मतलब समझ जाना वो डेड सेल्स से बना हुआ है, और जहां पर भी आपको पेरेन्काइमा दिखे समझ जाना वो लिविंग सेल्स से बना हुआ है। तो ये सारे सेल्स डेड होते हैं एक्सेप्ट द जाइलम पेरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में सारे सेल्स जो होते हैं ना वो लिविंग होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द ह्यूमन टिश्यूज। हमारे बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं अब हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टिश्यू होता है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब एपिथेलियल के भी ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सिंपल स्क्वैमस, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। अब ये जो सिंपल स्क्वैमस होते हैं ना, ये हमारे फ्लैट सेल्स होते हैं, चपटे चपटे से जो सेल्स होते हैं ना, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये फ्लैट सेल्स होते हैं और एक सिंगल लेयर होती है, इसमें ओनली वन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, वन लेयर प्रेजेंट होती है। और इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का। इनका काम होता है एक्सचेंज करने का, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का। हमारी बॉडी में मटेरियल कहाँ कहाँ एक्सचेंज होता है? सबसे पहला होता है एल्वियोलाई, लंग्स में होती हैं जहाँ पर हवा, CO2 और O2 एक्सचेंज होती है। उसके बाद और कहाँ होती है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उसमें भी सिंपल स्क्वैमस प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं दूसरे, वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स में प्रेजेंट होना। इसमें भी फ्लैट सेल्स होते हैं लेकिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिंगल लेयर होती है, इनमें मल्टी लेयर्स होती हैं। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होते हैं ना उनमें मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, डिफरेंस देख लेना। मल्टीपल लेयर होती है इनमें, क्या होती है? मल्टीपल लेयर होती है। और ये भी फ्लैट सेल्स के ही बने होते हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का डिफरेंस? सिंपल में सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। ये प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में और ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। अब आते हैं हम कॉलमनर पे। ये जो कॉलमनर होते हैं ना, इनमें कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलम्स वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये काम करता है एब्जॉर्प्शन का। जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं स्टमक में और किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर आते हैं हम लोग सीलिएटेड कॉलमनर।
सीलिएटेड का मतलब होता है जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होता है ना, जैसे सेल्स होते हैं इनके हेयर आ जाते हैं इस तरीके से, ये सीलिया होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये आपके जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। जैसे कि हमारा फेलोपियन ट्यूब्स, जो फेलोपियन ट्यूब्स होता है वो एग को, फीमेल्स में जो एग होता है उसको ले जाने का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से हम खाना खाते हैं तो खाना अंदर चला जाता है, तो वो मूवमेंट कौन करवाता है? ये सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स करवाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स पे। ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स होते हैं ना, इसमें क्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके सेल्स जो होते हैं ना क्यूब जैसे होते हैं, और ये हमारा ये भी एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का और एक्सक्रीशन का। अब एक्सक्रीशन से आपको एक चीज़ पता चल गई कि ये किस में प्रेजेंट होंगे? किडनीज में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक्सक्रीशन कौन करता है? किडनी करती है। ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन मतलब ये आपके नेफ्रॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। आया समझ में? तो उनके जो फंक्शन होते हैं ना, उन्हीं से ही आप उनके एग्जांपल्स को लर्न कर सकते हो। और जो ग्लैंडुलर होते हैं, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे आपके, जो चीज़ें कुछ सिक्रीट कर रही होंगी। जैसे आपका स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट सिक्रीट कर रहा है, ऑयल ग्लैंड हो गए, ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ग्लैंडुलर एपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मस्कुलर टिश्यूज। इनका काम होता है, ये मसल फाइबर से बने होते हैं, इनका काम होता है मूवमेंट और लोकोमोशन का। हाथों में, पैरों में हम मूव कर रहे हैं तो इसमें मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। और इनका काम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, इसीलिए किसके प्रोटीन के बने हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने हुए हैं। अब ये थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इनका स्केलेटल मसल का। ये सिलेंड्रिकल शेप होती हैं। किस शेप की होती हैं मसल? देखो, सिलेंड्रिकल शेप की मसल्स होती हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइएशंस का मतलब लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, एक डार्क बैंड प्रेजेंट है, एक लाइट बैंड प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप मसल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है इसमें? डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बोन्स को अटैच करने में। जैसे कि हमारी हाथ में दो बोन्स प्रेजेंट है, तो दोनों बोन को अटैच करने का काम कौन? स्केलेटल मसल कर रही है। और इनका फंक्शन जो होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री काम कर रहे होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब वो होता है ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल्ड एक्शंस करते हैं, ठीक है। कौन से एक्शंस? कंट्रोल्ड एक्शंस मतलब हमको किसी को थप्पड़ मारना है, वैसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गलत बात, मतलब जैसे हमें, मुझे कुछ लिखना है या मुझे चलना है, तो ये मैं खुद से डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे चलना है, मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? आपके स्केलेटल मसल्स करवाती है। इसीलिए इनका फंक्शन होता है वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। उसके बाद आती हैं हमारी स्मूथ मसल्स। ये ना स्पिंडल शेप की होती हैं इस तरीके से, और इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनमें स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होते। स्ट्राइएशंस मतलब लाइट और डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और आपके ये क्या करते हैं? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस पता है क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि हमारी मसल्स जो है स्टमक की, वो डाइजेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही होती तो आपकी आंखें अपने आप ही बंद होने लग जाती हैं, तो आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो। आयरिस को छोटा होने से कंट्रोल नहीं करते हो। आपका स्टमक डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके मसल्स काम कर रहे हैं, तो आप उनकी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो एक्शंस कौन करवाता है? स्मूथ मसल्स। इसकी लोकेशन होती है आयरिस ऑफ द आईज। आयरिस जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जब लाइट ज्यादा होती है तो आपकी आयरिस छोटी हो जाती है, जब आपकी
लाइट कम आ रही होती तो आयरिस बड़ी हो जाती है। तो ये सबका कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा होता है? स्मूथ मसल्स। यूरेटर्स में प्रेजेंट होते हैं, किडनी में से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है उनमें प्रेजेंट होता है। तो यूरेटर का फंक्शन आप कंट्रोल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये कैसे सेल्स होते हैं? पॉइंटेड सेल्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, और ये क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर स्पेशल मसल जो होती है कार्डियक मसल, और कार्डियक से हमें पता चल गया कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये भी क्या होती हैं? ये ना एक दूसरे से कनेक्टेड मसल्स होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड मसल्स होती हैं। ये देखो इस तरीके से इसमें कनेक्शन प्रेजेंट होता है, और ये भी सिलेंड्रिकल शेप की ही होती हैं, और इनमें भी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये क्या होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल ब्रांच्ड नहीं होती हैं, कार्डियक मसल ब्रांच होती हैं। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री एक्शन करवाती है, और स्मूथ और कार्डियक मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस करवाती हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा कौन कर रहा होता है? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल क्या करवाती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। किसका? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाती है हार्ट का, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली आपके लाइफ टाइम चलती ही रहती है, कभी भी थकती नहीं है ये मसल, देख रहे हो। स्केलेटल मसल भी थक जाती है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल काम करती ही रहती हैं जब तक इंसान जिंदा रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिश्यू जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो जो दो चीजों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड ही होता है, जो कि क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करवाने का काम होता है। कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। करवाता है कि नहीं करवाता है? और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। WBC होते हैं जो कि हमको इम्यूनिटी, ताकत प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। और प्लेटलेट जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से क्लॉट करवाता है। ब्लड, अगर कोई इंजरी हो गई, कोई कट लग गया तो उसमें से ब्लड बाहर आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हमारा कौन काम करता है? प्लेटलेट। बोन जो होती है हमको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देती है। ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। जबकि जो कार्टिलेज होता है हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? ईयर में, नोज में, इन सब में प्रेजेंट होता है, हार्ड पार्ट होता है ये भी। लिगामेंट क्या करता है? ये मसल बोन टू बोन होता है, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और हमारे टेंडन्स क्या करते हैं? ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, मसल टू बोन कनेक्ट करते हैं। और हमारे लिगामेंट क्या करते हैं? बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडन्स हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। जबकि ये जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं ये स्किन के बिल्कुल जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं। किसमें? बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं, और स्किन को ना हमारी बॉडी में से अलग नहीं होने देते। अब आप अपने स्किन को ऐसा पुल करते हो तो स्किन हाथ में नहीं आ जाती है, किसकी वजह से? क्योंकि एरियोलर टिश्यू ने उस स्किन, हमारी स्किन को पकड़ करके रखा है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं? ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। हमारी बॉडी में जो फैट होता है, हम मोटे हो जाते हैं, वो ये एडिपोज टिश्यूज हमारे फैट को इतना ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं कि हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? आपके कनेक्टिव टिश्यूज थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टिश्यू जो होता है नर्वस टिश्यू हमारा। नर्वस टिश्यू क्या करता है? ये हमारी नर्व इंपल्सिस को, मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो डायग्राम है न्यूरॉन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं। तो ये डायग्राम को नर्वस टिश्यू के, न्यूरॉन के मत स्किप करके जाना किसी भी हालत में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन, और ये टेलीग्राम का लिंक है जो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। और ये है आपका प्यारा अपना क्लास 9 का वेदांतु का चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है।
तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे प्यारे बच्चों चैनल पे नए थे। इसके अलावा आप सबके प्यारे मास्टर टीचर का अपना अलग अलग चैनल बना दिया गया है जिसमें वो 60 सेकेंड्स के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवाएंगे। तो डू सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।